Hello everyone, I am Monica. Today I will start class 7th mathematics, chapter 6, exercise 6.3. I have been already discussed question 1st to 7th, okay? And this is the question number 8. The question number 8 says, there are only 20 paise coins in a purse. If the total value of a money in the purse is 26 rupees, find the number of coins in it. अब देखो 20 पैसा आप भूल जाओ, 20 पैसा आपने नहीं देखा अभी तक, ठीक है? पहले चलता था बहुत पहले, ठीक है? अब देखो ये क्वेश्चन भूल जाओ आप, मैंने कहा आपके पास 10 रुपीस हैं, कितने रुपीस हैं? 10 रुपीस, ठीक? लेकिन ये नोट नहीं है, आपके पास 1 रुपीस के कॉइन है इसमें, तो आप बोलोगे, आपसे मैंने पूछा कि कितने कॉइन है आपके पास में, तो आप आंसर क्या दोगे? There are only 1 rupees coin in your purse. How many coin in your purse? ये question है. कितने coin हैं आपके purse में? तो आप क्या बोलोगे? अगर 10 rupees हैं और एक एक रुपए का सिक्का है नहीं हो तो आप कर लेना count. ठीक है? तो आप बोलोगे मैम 10 coin हैं. The number of coin in your purse is 10. ठीक है? ये मैं वैल्यू की बात नहीं कर रही, वैल्यू तो ये है, ये नंबर ऑफ कॉइंस की बात हो रही है, ठीक है? डिफरेंस समझ में आया? ठीक, ऐसे ही सेम एज इट इज. अगर मैंने बोला 10 रुपीस है आपके पर्स में और मैंने बोला कि ये 2 रुपीस का जो कॉइन आता है उसके फॉर्म में है, तो 2 रुपीस के कितने कॉइन होंगे आपके पर्स में? 5. ठीक है, काउंट कर लेना. ये आप डेली यूज करते हो लेकिन समझ में नहीं आता. ठीक, अगर आप 5 कॉइन्स हैं आपके पर्स में 2 रुपीस के, ठीक, 2 रुपीस के कितने कॉइन होंगे? 10 रुपीस में 5 कॉइन्स होंगे. ठीक है, मतलब क्या है, अगर आप जो 2 रुपए का सिक्का है ना, अगर आप वो 5 जो कॉइन है वो आपने ले लिए तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 रुपीस हो जाएगी. नहीं हो तो आप निकालना, ठीक है, होंगे आपके घर में तो निकालना और फिर देखना जो मैम ने बोला था कि कॉइन कितने हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स कितने आ रहे हैं. अगर आपके पास केवल 2 रुपीस का कॉइन है और आपको लेना कितना है, 10 रुपीस लेना है, तो कितने कॉइन आएंगे उसमें? 5 कॉइन्स आएंगे. किया क्या है आपने, आपने जो वैल्यू है ना, मतलब 10 रुपीस आपको चाहिए थे, ठीक है, केवल 2 रुपीस का कॉइन है तो 10 में आपने 2 का डिवाइड कर दिया है, तो क्या आ गया? नंबर ऑफ कॉइन आ गया. ठीक है, इस क्वेश्चन में जरूरत होगी इस वजह से मैंने बताया आपको. ठीक, अब देखो ये करके जरूर देखना आप घर में, ठीक है, उससे और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा. अब देखो यहां पे बात हो रही है 20 पैसा की, ठीक, 20 पैसा का पहले कॉइन आता था, जैसे 1 रुपीस और 2 रुपीस के कॉइन आते हैं ना अभी, वैसे ही पहले 20 पैसा, 25 पैसा, ओके, 50 पैसा इसका कॉइन आता था. ठीक, अब देखो वी नो दैट 1 रुपीस इज इक्वल टू 100 पैसा. ये आपको मालूम होना चाहिए कि 1 रुपीस में कितना होता है, 100 पैसा होता है. ठीक, अब यहाँ पे आपका पैसे आएगा, ये प्लूरल है, मोर देन वन है, ओके. अब देखो द नंबर ऑफ 20 पैसा कॉइन इन 1 रुपीस, क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. ठीक है, मैंने अभी समझाया था आपको कि 10 में 2 का डिवाइड किया था, ऐसे ही 100 में किसका डिवाइड करेंगे? 20 का, क्योंकि 20 पैसा की बात हो रही है. नंबर ऑफ कॉइन्स कितने आ गए 100 पैसा में? 5 कॉइन्स हैं. किसके? 20 पैसा के. ठीक, किसमें? 100 पैसा में. ठीक है, 100 पैसे में, 1 रुपए में 20 पैसे के कितने कॉइन हैं? 5 कॉइन्स हैं. ठीक है, ये नंबर ऑफ कॉइन है. ठीक है, और ये क्या है? ये वैल्यू है. ठीक, अब देखो द नंबर ऑफ 20 पैसा कॉइन इन 26 रुपीस, यही क्वेश्चन है आपका कि 26 रुपीस अगर आपके पास हैं तो उसमें 20 पैसे के कितने कॉइन होंगे. ठीक,
नंबर ऑफ कॉइन्स आपसे पूछा है, तो नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने के लिए क्या किया, अगर 100 पैसा में कितने हैं, 1 रुपीस में कितने हैं 5, तो 26 रुपीस में कितने होंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 26 में 5 का, आंसर कितना आ गया 130। एंड देन क्वेश्चन नंबर 9 सेम एज इट इज है, यहाँ किसकी बात हुई है 20 पैसा की, यहाँ किसकी बात हो रही है 25 पैसा की, ठीक है, यहाँ 20 पैसे की बात हो रही है, यहाँ 25 पैसे की बात हो रही है, तो प्रोसेस यही है, सेम एज इट इज क्या है, क्वेश्चन नंबर 10th है, तो 9th और 10th मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, आई विल डिस्कस हियर क्वेश्चन नंबर 11। द कॉस्ट ऑफ अ चेयर इज रुपीज एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ अ कपबोर्ड इज रुपीज 90, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ 4 चेयर एंड अ कपबोर्ड इज 210 रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ चेयर। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सेज कि आपके पास क्या है, चेयर है, एक चेयर है, ठीक है, जिसकी कॉस्ट कितनी है एक्स रुपीज है, ठीक, और एक कपबोर्ड है जिसकी कॉस्ट कितनी है 90 रुपीज है, ठीक है, फिर उसमें क्वेश्चन में क्या है, द टोटल ऑफ 4 चेयर एंड अ कपबोर्ड इज इक्वल टू 210 रुपीज, मतलब क्या है, 4 चेयर और आपका एक कपबोर्ड का जो टोटल है वो कितना है 210 रुपीज है, तो आपको एक चेयर की वैल्यू फाइंड करनी है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो चेयर यार भूल जाओ आप, आपको सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है, चॉकलेट, चॉकलेट से याद रखो, ठीक है, ये क्वेश्चन भूल जाओ आप, अभी एक क्वेश्चन मैं आपसे करती हूँ, उसका आंसर आपको खुद सोचना है अभी, ठीक है, क्योंकि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक। अब देखो मैंने कहा अगर आपके पास, आप जाते हो मार्केट में और एक शॉप पे जाते हो और कहते हो कि मुझे एक चॉकलेट चाहिए जिसकी जिसकी वैल्यू कितनी है 10 रुपीज है, ठीक है, वैल्यू कितनी है, एक चॉकलेट की वैल्यू कितनी है 10 रुपीज है, अगर आपको वैसे ही आपको 4 चॉकलेट चाहिए, 4 चॉकलेट्स, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, कितने की आएगी वो 4 चॉकलेट्स, अगर एक की वैल्यू 10 रुपीज है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, आप सिंपल बोलोगे मैम 40 रुपीज होगी, ठीक है, ठीक, आप खुद ही कर लोगे काउंट और कहोगे कि 40 रुपीज की हुई, ठीक है, कैसे निकाला आपने 40, ये इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो ये आप रफ में लिखना, फेयर में इसको लिखने की जरूरत नहीं है, एक चॉकलेट कितने की आपकी 10 रुपीज की, ठीक है, आपको 4 चॉकलेट्स की वैल्यू पता करनी है, तो या तो आप 10 को 4 टाइम्स ऐड कर दोगे जो आप जनरली करते हो, सारे बच्चे करते हो, ठीक है, ठीक, 1 2 3 4, 10 + 10 = 20 + 10 = 30 + 10 = 40, 40 रुपीज ऐसे आता है 40, ठीक है, या फिर इसकी इसका एक और मेथड है, वो मेथड क्या है, 10 × 4, सेम वैल्यू आएगी ऑलवेज, ठीक है, 1 चॉकलेट 10 रुपीज की, तो 4 चॉकलेट्स कितने की 40 रुपीज की, ठीक है। अब ये हो गया आपका चॉकलेट से जो आप रियल लाइफ में आप बहुत बार आपने देखा होगा इसको, ठीक है, ठीक। अब देखो चॉकलेट हो गया, आप कोई भी चीज जो आप खाते हो उससे आप कर सकते हो, ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है आपका, ठीक। अब देखो क्यों बताया मैंने, क्योंकि यहाँ x दिया हुआ है, उससे बहुत कंफ्यूजन हो सकता है आपको, कॉस्ट ऑफ अ चेयर कितना है x रुपीज है, तो आप बताओ कॉस्ट ऑफ 4 चेयर कितना होगा, चेयर्स, ठीक, कॉस्ट ऑफ 4 चेयर्स कितना होगा 4x, 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, इसका मतलब मल्टीप्लाई है, ओके, 4x, 4 का मल्टीप्लाई x में, ठीक है, कॉस्ट ऑफ अ कपबोर्ड कितना है 90 रुपीज, ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में गिवन है, इतना आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द टोटल ऑफ 4 चेयर्स एंड अ कपबोर्ड इज इक्वल टू 210 रुपीज, पढ़ना उसकी लैंग्वेज को, ये तो मैंने अपनी लैंग्वेज में बोला आपको, ठीक है, कितना है टोटल 210 रुपीज है, ठीक है। अब वही मैंने लिख दिया सेम एज इट इज, 4 चेयर्स और एक कपबोर्ड का टोटल कितना है 210, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे, आप कैसे सॉल्व करोगे, 90 को लेफ्ट टू राइट शिफ्ट किया,
ओके, यहां आप इनवर्ट्स मेंशन करोगे, क्या मेंशन करना है कि शिफ्टिंग 90 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक इस टाइप से, ठीक है। अब देखो माइनस में हो जाएगा क्योंकि प्लस में है, ठीक है। कितना आया 120, 4x इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू 120 अपॉन 4, अपॉन में क्यों आया 4, क्योंकि यहां क्या है मल्टीप्लाई है, ओके मैंने बताया था लास्ट क्लास में आपको। तो कितना आ गया आंसर 30, 120 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 30, तो हैंस द कॉस्ट ऑफ अ चेयर इज इक्वल टू 30 रुपीज, क्यों, क्योंकि x रुपीज है ना, एक चेयर की वैल्यू कितनी है x रुपीज, तो x की जो वैल्यू फाइंड आउट हुई है वही किसकी वैल्यू होगी, चेयर की, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 11 एंड देन क्वेश्चन नंबर 12, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12, ओके द क्वेश्चन नंबर 12 इज डिस्ट्रीब्यूट 500 रुपीज अमंग अनीता कविता एंड मंजू। अब देखो 500 रुपीज को बांटना है किसमें, अनीता में, कविता में और मंजू में, लेकिन किस तरह से, इन सच अ वे दैट कविता गेट्स रुपीज 20 लेस देन डबल ऑफ व्हाट अनीता गेट्स, ठीक है। यानी अनीता को सपोज x रुपीज मिल रहा है, ठीक है, सपोज अगर मैंने अनीता को आपका x रुपीज आप मिल रहा है, ठीक है, तो कविता को कितना मिलेगा 2x माइनस 20, कैसे, ये कहा गया है क्वेश्चन में, क्या है क्वेश्चन में, कविता गेट्स 20 रुपीज लेस देन डबल ऑफ व्हाट अनीता गेट्स, 20 लेस देन डबल ऑफ अनीता, समझ में आ गया, किया क्या है कविता में, ठीक है, सेम एज इट इज, आगे पढ़ती हूं मैं क्वेश्चन को। एंड मंजू गेट्स रुपीज 50 मोर देन व्हाट कविता गेट्स, तो कविता को जितना मिला है उससे 50 रुपीज ज्यादा किसको मिला है, मंजू को, ठीक है। तो क्या करेंगे, मोर देन मतलब प्लस, तो इसमें प्लस 50 कर दो, 2x माइनस 20 प्लस 50, ठीक है, समझ में आ गया कैसे आएगी तीनों, ठीक है। अब देखो 2x माइनस 20 प्लस 30 प्लस 50 कितना हो जाएगा, प्लस 30, एक्चुअल में ये क्या है ये, ठीक है, सॉल्व करने पे ये आ गया, उसी को मैंने इनवर्ट्स लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहां से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 500 रुपीस को डिस्ट्रीब्यूट करना था इन तीनों में, तो क्या किया, इन तीनों का सम कितना होगा 500 होगा, ठीक ठीक है। अब देखो x प्लस 2x प्लस 2x कितना हो गया 5x, मतलब x x को मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, यहां कुछ नहीं है तो क्या है 1, 2 प्लस 1 3 प्लस 2 कितना हो गया 5x, और प्लस 30 माइनस 20 कितना हो गया 10, ठीक। अब देखो यहां कंफ्यूज मत होना, ये देखो ये अनीता का है, ये कविता का है और ये मंजू का है, ठीक है, ये तीनों को ऐड किया है मैंने, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, बहुत इजी है, 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 500, 10 को मैंने शिफ्ट किया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यहां मेंशन करना है आपको, ठीक है, इनवर्ड्स शिफ्ट 10 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, तो किसमें हो जाएगा, माइनस में, माइनस 10 आ जाएगा, 5x इज इक्वल टू 490 हो गया। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 490 डिवाइड बाय 5, आंसर कितना आ गया 98, ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 98। अब देखो अनीता को कितना मिलेगा, x रुपीज, मतलब कितना 98 रुपीज, ठीक है, कविता को कितना मिलेगा 20 लेस देन ट्वाइस ऑफ अनीता, ठीक है, तो क्या किया मैंने 2 इंटू x की जो वैल्यू है मैंने वो पुट कर दी, कितनी आई 98 माइनस 20, ठीक है, यहां पे तो कितना आ गया आंसर 176, इसको सॉल्व करने कर लेना, 2 इंटू 98 कितना आएगा 196, ठीक है, सेम एज इट इज मंजू को कितना मिलेगा 2x प्लस 30, तो 2 इंटू 98 प्लस 30, आंसर कितना आ गया आपका 226, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12 एंड देन क्वेश्चन नंबर 13, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13।